ऐसी कार्तिक पूर्णिमा मैं यही चाहता कि दोबारा देश को देखनी पड़े कि जो अमावस बन गई थी उस दिन सरयू ने स्वयं कार सेवकों के रक्त से स्नान किया था। कोई औरंगजेब अगर करता, कोई बाबर करता, कोई नादिर शाह करता, कोई चंगेज खान करता तो बात समझ में आती है। हमारे देश के शासक ने हमारे ही लोगों को, अपने ही देशवासियों को इस तरह से गोलियों से भून दिया। कहते हैं ना कि क्या एक सुई की जो होती है तलवार काम नहीं आती, तो मुझे लगता है कि मुलायम की रणनीति को फेल करने में सुए का बहुत बड़ा हाथ था। एक सुआ था उन सबों के हाथ में था, लेकिन जो है सच्चाई यह है कि वो कार सेवा एकदम सफल हुई। मुलायम सिंह का दावा जो था वो एकदम थोथा साबित हुआ, बिल्कुल मतलब कार सेवकों की आंधी में वो परिंदा पर नहीं मार सके का दावा जो है वो छू मंतर हो गया, उड़ गया, और एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन ये सफलता जो थी उसने वर्तमान प्रदेश सरकार के गुस्से को चरम पे पहुंचा दिया था। दैनिक जागरण में हमने फैक्स किया कि साथ कल का दिन जो है कार सेवकों पर बहुत भारी पड़ सकता है, मुलायम गुस्से से पागल हो चुका है और वो गोलियां चलवाएगा, एक नरसंहार की आशंका हम लोगों को अंदेशा है। यह खबर छपी भी थी जागरण में जी। कैसा होगा तो वहां हमको ये दोनों कोठारी बंधु मिले, तो हम लोगों ने कहा, बागची ने भी कहा कि देखो पुलिस की निगाह आप लोगों पर खास तौर से है, आप थोड़ा बच के रहना क्योंकि आज जो है पुलिस गोलियां चलाएगी। उसको जब धक्का दे करके हम लोग आगे बढ़े और जब वहां पहुंचते हैं तो कलेजा मुंह पे आ गया। 16 जो गोली खाए लोग पड़े थे सबके लगभग सिर में गोली मारी गई थी, 15 मर चुके थे और वो दो बच्चे जो थे कोठारी वो दोनों हमारी आंख के सामने, एक उनमें जिंदा थे, संभवतः उनका नाम यार मेजर अरोड़ा थे, जोधपुर के आए थे, उनको भी करीब 12-14 गोलियां लगी थी लेकिन वो जीवित थे। उन्होंने हमको ऐसे बुलाया पास और हमसे पूछा कि भैया ये हमारी एक पिस्टल है, ये हमारे कैंप ऑफिस में पहुंचा देना। तो बीबीसी का करेस्पॉन्डेंट था अंग्रेजी, उसने उनसे पूछा अरे सर आपके पास पिस्टल है, आपने जवाब नहीं दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव और सभी दर्शकों को मेरी राम राम। आज हम बात करेंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और उसके उस इतिहास के बारे में जिसकी वजह से आज राम मंदिर हमारे आंखों के सामने मूर्त रूप ले रहा है। राम मंदिर आंदोलन पिछले 500 वर्षों से चला आ रहा है और करीब करीब 130-135 सालों से कानूनी लड़ाई चलती रही है, और इस लड़ाई के लिए कितनी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, गोली खाई है, खून बहाया है सिर्फ राम मंदिर के लिए। बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था उसके ध्वस्त होने के बाद एक आंदोलन चला कि अब राम मंदिर उस राम जन्मभूमि पे कैसे बनेगा, और उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष ने जीती और आज 2024 में राम मंदिर हमारे सामने है। 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला वहाँ विराजमान होंगे, और ये भारत की आज़ादी के बाद एक ऐसा मौका है जो धर्म की आज़ादी या धर्म का जो दावा है वो हम रख पा रहे हैं। तो आज हम इस पूरे मुद्दे पे एक अलग दृष्टिकोण से बात करेंगे कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उसके प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं, भारत के जाने माने पत्रकार हैं, काशी के रहने वाले हैं, और राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर के लिए जो कार सेवा की गई थी उसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो इस विषय में हम बात करेंगे क्या कुछ उन्होंने देखा है, क्या कुछ उन्होंने झेला है, और क्या कुछ राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ने वालों ने फेस किया है, क्या कुछ उनको कष्ट
सहना पड़ा है वो हम उनसे जानेंगे। आपका नाम है श्री पद्मपति शर्मा जी, आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और हम आपसे ही जानेंगे कि ये पूरा मामला आज राम मंदिर तक कैसे पहुंचा है। तो आइए बात करते हैं पद्मपति शर्मा सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। राम मंदिर सर बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन आप उसके साक्षी रहे हैं जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, 30-32 साल हो चुके हैं, आपने अपनी आँखों से उसे देखा है, उसे महसूस किया है, वो दर्द भी झेला है, वो कष्ट भी झेला है, वो गोलियाँ भी आपने देखी हैं जो राम भक्तों पे चली थी, थोड़ा इसका वर्णन कीजिए सर। देखिए सबसे पहले तो जो है ये मैं स्वीकार करूंगा कि मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि मेरे जीवन काल में रामलला अपने जन्म स्थान पर पूरी शान और शौकत जलवे जलाल के साथ विराजमान होंगे। और सच्चाई तो यह है कि सुबह पत्नी से मेरी बात हो रही थी तो बिमला कह रही थी कि हमें लगता है कि अब इस देश में 3 बार दिवाली मनाई जाएगी। तो हमने कहा कैसे, बोली एक बार तो परंपरागत दिवाली होती है कि जब राम लंका फतेह करने के बाद, रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या आए थे तब दिवाली मनी थी। दूसरी जो है देवताओं की दिवाली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को होगी। सचमुच एक इतिहास का सृजन होने जा रहा है, आध्यात्मिक नवचेतना का इसको कहा जाए कि ये उदय है तो गलत नहीं होगा। और सच तो ये है कि राम राम घट घट में है, राम हमारे जीवन में है, राम हमारे सोते उठते बैठते खाते पीते दुख सुख जीवन मरण हर जगह राम है। दो राय नहीं है कि कहा जाता है कि षोडश कला अवतार हैं भगवान के राजराजेश्वर कृष्ण, लेकिन अगर हमारे जनजीवन में राम कोई अगर समाया है तो राम का नाम ही समाया है, इसके अलावा कोई नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति का वही एक नाम है, नाम है। जीते हैं जब पैदा होते हैं तब कहा जाता है राम राम बच्चा पैदा हुआ है, और जब जाते हैं तो राम नाम सत्य है। तो ये जीवन का सार तत्व है, और वो सार तत्व मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने आदर्श के साथ प्रस्तुत किया है। और देश क्या दुनिया राम के आदर्शों को चलना चाहती है। राम राज्य की इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी होने जा रहा है, वो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और मैं तो यही कहूंगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन काल में मैं भव्य राम मंदिर को बनता देख रहा हूं। लेकिन हाँ, बहुत सही कहा आपने कि ये राम मंदिर जो है 500 वर्ष के संघर्षों के बाद जो अस्तित्व में आया है, पुनर अस्तित्व में आया है जी। उसके पीछे लाखों को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी, उनका बलिदान हुआ है। और 1990 में तो एक ऐसा नरसंहार हुआ था कि जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। 1947 कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल के, लेकिन ये गलत है जी। देश का विभाजन, देश की आजादी इतनी रक्त रंजित शायद ही दुनिया में किसी भी इतिहास में किसी भी देश की स्वतंत्रता में नहीं मिलेगी। ये लगभग दोनों छोर के 20 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कितनी मांग सुनी हुई है, कितनी बहन के भाई छीने हैं, क्या कुछ नहीं हुआ है। बर्बरता का वो तांडव हुआ है, लेकिन उसके बाद आजाद भारत में ये जो है 84 का दंगा सिखों को जिस तरह से बर्बरता के साथ 5,000 सिखों की जो हत्याएं की एक राजनीतिक दल द्वारा, और उसके बाद 1990 में मुलायम सिंह ने जो नरसंहार किया था, उसकी वेदना आज भी मेरी आंखों में जो है साफ साफ
झलकती है जब मैं कभी सोचता हूँ कि मेरे सामने वो 16 लाश पड़ी हुई थी, तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। सबसे दुखद तो ये था जी कि 2 नवंबर 1990 कार्तिक पूर्णिमा थी जी, और इस कार्तिक पूर्णिमा पर जो श्रद्धालु है वो 84 कोस की परिक्रमा के बाद लाखों की तादाद में जो है वो सरयू में स्नान करते थे, लेकिन हाय रे, ऐसी कार्तिक पूर्णिमा मैं यही चाहता कि दोबारा देश को देखनी पड़े कि जो अमावस बन गई थी। उस दिन सरयू ने स्वयं कार सेवकों के रक्त से स्नान किया था, माँ सरयू लाल हो गई थी खून के रुधिर से। ये मैं सिहर जाता हूँ, मैं जब सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। और दुर्योग ये देखिए, दुर्भाग्य ये देखिए, विडंबना ये, तो जिन्होंने गोली चलाई थी वो कोई और नहीं थे, स्वयं को हनुमान भक्त का दावा करते थे, पहलवानी करते थे। आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूँ जी, जी जी। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना दुखद रहा होगा वो दिन कई बार, और वो स्मृति पटल से कभी हट नहीं सका है। कैसे बताऊं, कहां से शुरू करूं, क्या बताऊं, इतना दुखद है, इतना वेदनादायी है कि जिसको मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना अधम कर सकता है जी। कोई औरंगजेब अगर करता, कोई बाबर करता, कोई नादिर शाह करता, कोई चंगेज खान करता, तो बात समझ में आती है। हमारे देश के शासक ने हमारे ही लोगों को, अपने ही देशवासियों को इस तरह से गोलियों से भून दिया, आप सोच नहीं सकते। और वो कर क्या रहे थे, मैंने देखा है आंदोलनकारी रेलवे लाइन उखाड़ते हैं, बसों को जलाते हैं, सरकारी भवनों में आग लगा देते हैं, तमाम तरह के होते हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है जी, जी। और एक तरफ निरीह मासूम राम भक्त भजन गा रहे हैं, राम धुन गा रहे हैं, और उन पर अचानक गोली वर्षा की जाती है और सिर में निशाना लेके गोली मारी जाती है उनको। ये देखिए ये कितना विवश रहा, कितना बर्बर रहा, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं उस दृश्य को कभी शायद भूल नहीं पाऊंगा। तो सर, जैसे आपने वो दृश्य देखा है, इसकी शुरुआत आप पत्रकारिता से आपने कैसे की, क्या आपको आदेश मिला उस घटना को कवर करने के लिए, शुरू से एक विवरण बताइए। सही काम होने से आपने, सच्चाई ये थी कि जिस समय ये 1989 के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तो विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया था कि 30 अक्टूबर को 1990 में हम कार सेवा करेंगे। और उस समय सच्चाई तो यह है कि भावनाओं का ज्वार जो था वो चरम पे था। ऐसा भावनाओं का ज्वार अभी हम देख रहे हैं कि जब पूरा देश राममय हुआ है, वैसा मैंने 1990 में देखा था कि लोगों के दिमाग में सिर्फ एक था कि किस तरह से जो है ये 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 राम मंदिर हमें मिले, और किस तरह से ये जो विवादास्पद ढांचा है ये खत्म हो। तो हुआ ये था कि उस समय कई अखबार जो थे इसमें लगे हुए थे। एक शाम को हमारे पास जो जागरण के अधिष्ठाता और संपादक थे स्वर्गीय नरेंद्र मोहन, अब आज वो दुनिया में नहीं है, वो भाजपा के राज्यसभा के सांसद भी हुए, उन्होंने मुझसे कहा, पदमपद आपको नेतृत्व करना है, आपको अयोध्या जाना होगा। हमने कहा क्या हुआ भाई साहब, बोला आपके पास अखबार नहीं आते। हमने कहा आते हैं, हमारे पास सारे एडिशंस के आते हैं अखबार, लेकिन 3 दिन बाद आते हैं। बोले आज सुबह के अखबार में एक अखबार का नाम लिया उन्होंने, आगरा संस्करण का, जिसमें एक बड़ी आपत्तिजनक हेडिंग लगी थी और एक विनय कटियार का वो बयान था। हालत ये थी कि हम लोगों के जो है बंडल तक नहीं खुले जी। तो
तो अब जाकर के आप नेतृत्व कीजिए और उस कार्य सेवा को देखिए, और आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप जो लिखेंगे एक लाइन भी काटी नहीं जाएगी। मैंने कहा जो आदेश, और शायद वो 26 तारीख रही क्या, 26 या 27 तारीख थी, और फिएट से मैं और हमारे सिटी रिपोर्टर थे, चीफ सिटी रिपोर्टर था आशीष बागची, और फोटोग्राफर विजय सिंह, वो स्मृति शेष है, वो भी कुछ दिनों पहले उसका निधन हो गया। हम लोग एक फिएट से चले, आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि पूरे रास्ते में न कोई गाड़ी सामने से आती दिखी, न कोई पीछे से हमें ओवरटेक करती दिखी, केवल हमारी गाड़ी जा रही थी। पूरा मुलायम सिंह ने लगभग एक सप्ताह पहले सारी सड़कें सील कर दी थी, बंद कर दी थी, लगभग कर्फ्यू की स्थिति थी। हाँ, कहीं कहीं हम लोगों को एक दूर जय श्री राम की आवाज आती थी। 100-200 मीटर दूर खेतों के पीछे, झुरमुट के पीछे भगवा लहराए लोग पैदल जा रहे हैं, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और खैर, सुबह हम लोग चले थे, आज की तरह की वो एक्सप्रेस वे नहीं है कि 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाए, शाम को पहुंचे। सूचना विभाग, उसके निदेशक थे IAS प्रभात चतुर्वेदी, उन्होंने जो है हम लोग का एक्रेडिशन कार्ड बनाया, हम तीनों का। हम लोग रात्रि विश्राम किए लखनऊ में, और सुबह अयोध्या के लिए जब हम रवाना हुए तो वही स्थिति, हमने फिर वही मंजर देखा कि कोई वाहन नहीं, कोई नहीं, कोई आदमी नहीं बस। लेकिन हाँ, एहसास होता था कि दूर कहीं लोग जा रहे हैं, और जय श्री राम धीरे धीरे वो नारा, शायद हम लोगों की गाड़ी को देख करके वो शायद जोर से बोलते होंगे, तो हम लोग को ये कान में सुनाई देता था। बातचीत हमेशा बार बार कहता था कि सर पदम जी देखिए, ये लोग शायद लग रहा है कि अयोध्या जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगा। खैर, वहां हम लोग पहुंचे और 2-3 दिन हम लोग वहां, उस समय फैजाबाद था, अब तो अयोध्या धाम हो गया है, एक आध स्तरीय होटल थे, वहां चेकिंग किए, और उसके बाद हम लोगों ने पूरा निरीक्षण किया जब फैजाबाद से अयोध्या का पूरा, तो हमने पाया कि वाकई में जो मुलायम ने दावा किया था कि परिंदा पर नहीं मार सकेगा, वो हमें लगा कि वो मूर्त रूप लेगा और वो दावा जो है उसका सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस परिधि में जितने भी मकान थे सब सील कर दिए गए थे। अच्छा। खिड़कियां तक सील थी, और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस और PAC के जवान तैनात थे। हमें लगता कि कहां से लोग आएंगे, कैसे क्या होगा, ये हमारी समझ से परे था। लेकिन इतना लगता था मुझे कि शायद ये जो है प्रतीकात्मक कार सेवा हो पाएगी, ऐसे तो कार सेवा नहीं हो सकती। मेरा अनुमान शायद गलत था। 30 अक्टूबर की सुबह हम लोग जो है डट गए नाश्ता करने के बाद हनुमानगढ़ी के चौराहे पे, अचानक जो है एक झुंड जो है वो आया, करीब 30-40 जो है युवक रहे होंगे। तो आशीष बागची ने हमसे कहा कि पदम जी देखिए, ये तो बनारस के लग रहे हैं। तो मेरे मोहल्ले का था, मैं उन दिनों सरस्वती फाटक पे था ना, अब तो अधिग्रहण हो गया है, उसका कॉरिडोर हो गया, विश्वनाथ कॉरिडोर, तो मैं पहचानता था राजू पाठक को और सहस्त्र बुद्धे को। मैंने देखा, अरे ये लोग तो वाकई में बनारस के हैं, और वो जय श्री राम करते हुए 40-50 लोगों का समूह रहा होगा, वो आए और चुपचाप। अच्छा, रोडवेज की जो है करीब 100-150 बसें जो है वो एकदम एक सड़क के एक छोर पर लगा दी गई थी, बड़ी वाली विशाल काय बसें गिरफ्तारी के लिए, और वो चुपचाप आए, 2-3 बसों में जो है वो बैठ गए। हमने कहा तो गजब हो गया। अच्छा, पुलिस और PAC भी जो है थोड़ी उदासीन हो गई कि इन्होंने कुछ किया नहीं, चुपचाप बैठ गए, तो वो इधर उधर गफलत में आ गए। अचानक
कुछ राम भक्त उतरे, देखिए एक सुए ने, कहते हैं ना कि क्या एक सुई की जो होती है तलवार काम नहीं आती, तो मुझे लगता है कि मुलायम की रणनीति को फेल करने में सुए का बहुत बड़ा हाथ था। एक सुआ था उन सबों के हाथ में था, और उन्होंने क्या किया कि जो टायर थे बसेस के उसको सुआ मारना शुरू किया और उसको पंचर किया, और ये सिलसिला जो है लगातार बसों में, जब तक पुलिस संभलती तब तक 25-40 जो बसें थी वो पंचर हो चुकी थी, और लगता था कि मुलायम सरकार अपने ही जाल में फंस गई। अब वो बस न तो आगे जा सकती है न पीछे जा सकती है, और पुलिस ने अपने को असहाय पाया। तब तक हमने देखा ये बहुत बड़ा झुंड सैकड़ों का, और उसको श्रीचंद दीक्षित जो डीजीपी थे, पूर्व डीजीपी थे, अभी सिंधु परिषद के समय उपाध्यक्ष थे, अच्छा। उनके नेतृत्व में जय श्री राम करते हुए जो है हनुमानगढ़ के रास्ते से जन्म स्थान की ओर चले, हम लोग भी उनके साथ चले, और बिना किसी अवरोध के हम लोग सीधे जो है जन्म स्थान पहुंच गए, और वहां पर जो है कुंडे से ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने के बाद श्रीचंद दीक्षित अंदर गए, वर्तमान डीजीपी और ये तमाम थे वो बिल्कुल गुस्से से तमतमा रहे थे, लेकिन देख रहे थे कि हमारे सीनियर हैं, कह रहे थे कि सर आप निकल जाइए, बोलो ना अब तो कार सेवा होगी, और 2 घंटे तक जम के कार सेवा हुई। हम लोग भी अंदर थे, और सैकड़ों लोग जो थे वो बावड़ी ढांचे के जो ढांचा था, जो उसकी गुंबद थी, उस पर चढ़ गए, कुछ लोग गिरे भी, शायद जिनकी मौत भी हुई, और काफी लाठी चार्ज वगैरह किया, सावाम चला, और करीब 9 घंटे तक गुरिल्ला वार होती रही। लेकिन जो है सच्चाई यह है कि वो कार सेवा एकदम सफल हुई, मुलायम सिंह का दावा जो था वो एकदम थोथा साबित हुआ, बिल्कुल मतलब कार सेवकों की आंधी में वो परिंदा पर नहीं मार सके का दावा जो है वो छू मंतर हो गया, उड़ गया, और एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन यह सफलता जो थी उसने वर्तमान प्रदेश सरकार के गुस्से को चरम पे पहुंचा दिया था, थर थर कांप रहे थे गुस्से के मारे मुलायम सिंह की क्या कर दें इन लोगों को, क्योंकि उन्होंने उनके दावे को फेल किया था तमाम चौकसी के बावजूद। हमें जो है अब अगली कार सेवा 2 नवंबर को तय हुई थी, 1 नवंबर को हम लोग वहीं थे, 1 नवंबर को यह खबर मिली, लखनऊ से सूत्र ने बताया कि मुलायम ने यूपी पुलिस और पीएससी को वहां से हटा दिया है, और पैरा मिलिट्री फोर्स लगाई है, सीआरपीएफ के जवान लगाए, विशेष समुदाय के लोग। अब कहा जाता है ये कि मुन्नन खान नाम का एक माफिया था, जो मेरा ननिहाल जो है गोंडा करनेलगंज ही है, और करनेलगंज के कटरा बाजार का वो था माफिया जी। मैंने नहीं देखा, लेकिन बताया गया मुझे, उन कार सेवकों ने बताया कि साहब मुन्नन खां और उसके जो आदमी थे उन्हें वर्दी पहन करके, और उन्होंने जो है गोलियां चलाई थी और कार सेवकों की हत्या की थी। दरअसल क्या हुआ था कि कार सेवक जो थे वो कई हिस्सों में बटे हुए थे, कहते हैं लाल कोठी की तरफ, सरयू किनारे, और वे 4 जगह संभवतः गोलियां चली थी, लेकिन हम लोग जो थे वो सुबह हनुमानगढ़ी पर 9:30 बजे आ गए थे। रात को 1 बजे जो है 12:30 बजे करीब 1 तारीख की रात को हमने फैक्स किया जागरण में, दैनिक जागरण में हमने फैक्स किया कि साथ कल का दिन जो है कार सेवकों पर बहुत भारी पड़ सकता है, मुलायम गुस्से से पागल हो चुका है और वो गोलियां चलवाएगा, एक नरसंहार की आशंका हम लोगों को अंदेशा है, और यह खबर छपी भी थी जागरण में कि ऐसा होगा। सुबह जो है हम लोग होटल से आए, कार से अपने एक जगह पार्क किए, और उसके बाद चले गए महंत रामचंद्र दास के, आज वो भी दुनिया में नहीं है, वो मुकदमे लड़ रहे थे असीम अंसारी के साथ,
उनकी छावनी में जब गए अखाड़ा में, तो वहां हमको ये दोनों कोठारी बंधु मिले। तो कहा आइए सर, आइए अंकल, आपको नाश्ता कराएं। तब उन्होंने जो है वो घुघरी और क्या बोलते हैं जलेबी हलवा ये सब खिलाया। तो हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छा ढोल बजाते थे दोनों बच्चे, जी जी जी। राम था और एक का नाम क्या था याद नहीं है, दो कोठारी के, एक 23 वर्ष का था, एक 20 साल का था, एक शरीर हृष्टपुष्ट था, एक थोड़ा सा दुर्बल था। तो हम लोगों ने कहा, बागची ने भी कहा कि देखो पुलिस की निगाह आप लोगों पर खास तौर से है, आप थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आज जो है पुलिस गोलियां चलाएगी। पुलिस क्या चलाएगी, अर्धसैनिक बल के लोग तैनात किए गए हैं, इसलिए आप लोग बहुत संभल के। तो बड़ी बेपरवाही के साथ दोनों बच्चों ने हमसे कहा कि अंकल राम की सेवा करने आए हैं, अगर चले गए प्रभु के राम के चरणों में तो हम तो कृतार्थ हो जाएंगे। ये शब्द उनके थे। खैर हम वहां से आए, आए इधर जो था उमा भारती जी जो थी उनको जो है हाउस अरेस्ट किया गया था, वो बांदा के डाक बंगलों में रखा गया था जी। तो 30 अक्टूबर की कारसेवा की रात को वो जो है सो उन्होंने अपना बाल पूरा मुंडन करवाया छूरे से, उस तरह से, और लड़के के बेस में नाटेकत की थी, उम्र तो शायद 30-32 साल की रही होगी उनकी, लेकिन वो बिल्कुल बच्चा लग रही थी। और वहां से वो फरार होने में सफल हुई। तो 2 नवंबर को उन्होंने अग्रिम मोर्चे का नेतृत्व किया और ठीक करीब 9:15 बजे सैकड़ों कार सेवकों के साथ वो हनुमानगढ़ी चौराहे पर बैठ करके रामधुन गाने लगी, भजन करने लगी। हम लोग जो थे चौराहे के जो हनुमानगढ़ी की तरफ रास्ता जन्मभूमि की तरफ जाता है, उधर बाएं तरफ एक मकान छोटा सा था, एक मंजिला था, उसकी छत थी, उसके ऊपर हम 10-12 लोग, उस जमाने में देखिए सोशल मीडिया था नहीं और ब्रॉडकास्ट मीडिया के नाम पर जो रेडियो भोपू जिसको कहते हैं सरकारी, और सरकारी टेलीविजन था, इसके अलावा तो कुछ था नहीं, तो पत्रकार भी बहुत कम थे, 12-13 लोग रहे होंगे मुश्किल से, उसमें हिंदू का था, पीटीआई के थे, पांचजन्य के तरुण विजय थे, जागरण के थे, आज अखबार के भी थे, इस तरह से हम लोग 12-13 लोग थे। हम लोग ऊपर अपना कैमरा लेकर के, हमारे फोटोग्राफर लोग, हम लोग डटे हुए थे। अचानक हम लोगों ने देखा करीब 9:30-10 बजा होगा कि जन्मभूमि की तरफ से एक वर्दीधारी ने एक बहुत बड़ा ईंटा जो है सामने की ओर फेंका, और फेंकने के बाद लगता कि जैसे पूरा एक पूर्व नियोजित था कि आंसू गैस के गोले दगने लगे। अच्छा। हम लोगों की आंख से जो है आंसू बहने लगे। तो हम लोग घबरा गए और हम लोग उतरे नीचे, नीचे उतर करके जो हम क्रॉस कर रहे हैं तब तक तर-तर गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। और जब हम पहुंचते हैं करीब, मैं समझता हूं कि करीब 1-2 मिनट रहा होगा, और मैं वो जो शहीद गली इसका नाम दिया गया है उस गली में पहुंचता हूं जब, तो वहां अब सीआरपीएफ थे कि वो कौन थे, मुंडन खा के आदमी थे नहीं जानता, लेकिन मैं एक अधिकारी था, उसकी राइफल मैंने पकड़ी और पकड़ के कहा कि तुम लोगों ने निरीह मासूमों पे गोलियां चलाई हैं। अच्छा ये दूरी हमारी और जो गोली चली है उसके बीच में मुश्किल से 7-8 मीटर की रही होगी, लेकिन वो नुक्कड़ ऐसा था कि सामने से दाहिनी तरफ रास्ता मुड़ता था, तो दिखाई नहीं दे रहा था कि किधर चलिए, किसको मारा गया है। उसको जब धक्का दे करके हम लोग आगे बढ़े और जब वहां पहुंचते हैं तो कलेजा मुंह पे आ गया। 16 जो गोली खाए लोग पड़े थे, सबके लगभग सिर में गोली मारी गई थी, 15 मर चुके थे, और वो दो बच्चे जो थे कोठारी, वो दोनों हमारी आंख के सामने वो प्रभु चरणों में स्थान पा चुके थे। और देख करके जो है बागची, हम लोग सबकी आंख में आंसू आ गए कि ये क्या हो गया। सुबह हम लोग कमजाए थे इनको, एक उनमें जिंदा थे, संभवतः उनका नाम यार मेजर अरोड़ा थे, जोधपुर के आए थे, उनको भी करीब 12-14 गोलियां लगी थी, लेकिन वो जीवित थे। उन्होंने हमको ऐसे बुलाया पास और हमसे पूछा कि भैया
ये हमारी एक पिस्टल है, ये हमारे कैंप ऑफिस में पहुंचा देना। तो बीबीसी का करेस्पॉन्डेंट था अंग्रेजी, उसने उनसे पूछा, अरे सर आपके पास पिस्टल है, आपने जवाब नहीं दिया। बोला राम काज करने आए हैं, जंग लड़ने थोड़ी ना आए हैं, ये तो आत्मरक्षा था। ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा थोड़ी देरी के बाद, आप देख ही रहे हैं कि मेरे को कितनी गोलियां लगी हैं, लेकिन मैं तो उनके जो जज्बे को सलाम करता हूं आज भी, कि वो आदमी बाकायदे बात कर रहा था और बाद में पता लगा कि एक घंटे के बाद उनका जो है निधन हो गया। और वहां से जब हम लोग लौटे तो माथा पकड़ के बैठ गए, पता चला कि साहब इधर गोली चली है, उधर गोली चली है, सरयू की तरफ गोली चली, लेकिन हम लोग तो फंस के रह गए वहां, आगे रास्ते सब सील कर दिए गए थे। ये जरूर आवाज आई कि कोई मुन्नन खां, तो मुन्नन खां का नाम मैंने इसलिए सुना था कि वो माफिया था और आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी में माफियाओं को कितना सम्मान मिलता था, कि वो सांसद भी हुआ था जी। और कहते हैं लोग जो कारसेवक थे उनका ये कहना था कि साहब मुन्नन खां के जो कारिंदे थे, उनके जो गुट के जो लोग थे गुर्गे, वो वर्दी पहन करके आए थे, शायद किसी ने तो ये भी आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ के गोलियां चली मारी थी कारसेवक। सर अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें इसकी इस बात का जिक्र है। जरूर आया है, कुछ वीडियोस भी आए हैं, इस तरह के वीडियोस आए। देखिए, लेकिन मैं मेरे जो आपके सामने हुआ था मैं वो बता रहा हूं आपको, और जो चीज सुना गया था, चूंकि करनैलगंज यहाँ कटरा बाजार का ये मुन्नन खां है वो मेरा ननिहाल है जी, गोंडा। मैं वहां 2 साल मैंने पढ़ा भी हूँ, संघ का मैं नगर कार्यवाह भी रहा हूँ, बड़े कम उम्र का ये शायद मैं समझता हूँ संघ के लिए एक गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड होगा कि 14-15 साल की उम्र में नगर कार्यवाह, और 60 वर्ष के लोग मुझे पद्मपति जी करके जो है हाथ जोड़ते थे। खैर वो एक अलग कहानी है। तो मैंने वहां से हाई स्कूल किया था 1962 में, तो मैं वहां के भूगोल को परिचित था और मैं जानता था। और उसके बाद वहां बहुत बड़ा दंगा भी हुआ था और उस दंगे में मुन्नन खां का पूरा हाथ था। मुन्नन खां ने सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं की थी, वो बाद में मर भी गया, लोकसभा का सांसद हुआ था वो। आप सोचिए जरा सा, समाजवादी पार्टी से ये लोग आज राम की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इनको राम की बात करते हुए? राम बुलाएंगे तो जाएंगे, राम को तुमने माना कब था? राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी तुम्हारे पिता ने और आप तुम राम की बात कर रहे हो। शाम को जब हम लोगों ने अयोध्या को देखा तो अयोध्या जैसे लगता था कि कहीं कोई कर्फ्यू लगा हुआ हो। अयोध्या रो रही थी, राम नगरी के उन आंसुओं को मैं देख नहीं सकता था, महसूस कर सकता था। सारे मंदिरों के कपाट बंद थे, आरती का कोई सवाल ही नहीं था, भोग लगने का कोई सवाल ही नहीं था। जब किसी के घर में गमी होती है तो कहते हैं हमारे सनातन धर्म में कि चूल्हे नहीं सिलगते, तो चूल्हे नहीं सिल गए थे उस दिन मंदिरों के, और भगवान को भोग नहीं लगा था। और बड़ा मतलब क्या बताएं, बड़ा वेदना, मैं मेरे पास शब्द नहीं है। खैर जब हम लोग चले वहां से तो बड़े दुखी मन से चले, लेकिन मन में एक बात ये थी कि यार हम लोगों ने तो आगाह किया था लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सका। और जब रात को हम लोग करीब 10 बजे के करीब पहुंचते हैं, जागरण का पुराना दफ्तर अंधरा पुल में था, दैनिक जागरण का, वहां बैरिकेड लगा हुआ था और करीब करीब 40-50 पुलिस के जवान इंस्पेक्टर वो सारे लोग तैनात थे वहां। और हम लोगों को पहले रोकने की कोशिश की गई तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम तो अयोध्या से आ रहे हैं, हम तो जाएंगे ही अंदर तो जाएंगे ही। बोला अखबार आपका बैन हो गया, सवेरे अखबार नहीं छपना है। हम कहा ठीक है अखबार नहीं छपेगा लेकिन हम तो जाएंगे अपने अंदर, हमारा ऑफिस है, हमारा तो सामान वहां रखा है। और हम लोग अंदर आए तो हमारे जो नरेंद्र मोहन जी के कजिन और वीरेंद्र कुमार आज भी जीवित हैं, वो बेचारे बड़े उदास बैठे हुए थे चैम्बर में। बोले पदम अब तो बड़ा अनर्थ हो गया, ये अखबार हम लोग का बैन कर दिया गया है। हम कहा भाई साहब मैटर तो हम लोगों ने फैक्स से आपको भेज दिया था, क्या वो कंपोज हो गया है?
बोलो कंपोज तो हो गया लेकिन अखबार ही नहीं छपेगा। हमने कहा देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोगों ने फोन किया, संघ के कार्यालय में फोन किया बातचीत ने, तो वहां से विद्यार्थी परिषद के लोग आए और पीछे की खिड़की से वो उनको चार पन्ने जो है दिए गए। तो उस जमाने में टेक्नोलॉजी जो थी वो बिल्कुल अब आ रही थी सामने, तो साथ वो स्टाइल करके वो चार पन्ने जो थे, चार पेज, वो करीब 5 लाख की संख्या में बटे थे। अच्छा। और लोगों ने जागरण के माध्यम से जाना था कि क्या हुआ था उस दिन। अखबार तो नहीं आया लेकिन हाकरों ने जो है बड़े झूम करके उसको बेचा था। सुबह जब 10 बजे मैं ऑफिस पहुंचता हूं फिर, अच्छा जब मैं घर पहुंचा तो ज्ञानवापी से लेकर के सरस्वती फाटक तक सैकड़ों लोग इस प्रतीक्षा में थे कि पदम जी आएंगे तो कुछ बताएंगे। जी, जी, जी। हम क्या बताते, मेरे गला रुंधा हुआ था और चीत्कार कर रहा था मन में कि हे भगवान, क्या ये भी तुमने अपनी आंखों से देखना था? जिस भगवान राम के लिए, जिन भगवान राम के लिए हम जीते और मरते हैं, उसी भगवान राम के नाम पर जो है इन हत्यारों ने जो है उनको गोली से उड़ा दिया, उनका संहार किया है। ईश्वर कभी उन्हें माफ नहीं करेगा, ये मन में है। तुम्हारे हॉल था, घर पहुंचा मैं तो मैं खाना में से नहीं खाया गया। सुबह 11-12 बजे जब ऑफिस पहुंचता हूं तो मालूम पड़ा कि सर बागची और आप लोगों पर मुलायम सरकार ने मुकदमा कर दिया है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। जरूर है गिरफ्तारी होगी तो हम जरूर गिरफ्तारी देंगे, लेकिन जो हमने देखा है वो सच है और वो सच को कभी झुठला नहीं सकता। अगर कोर्ट में मुझे कहना होगा, फांसी भी चढ़ना होगा तो मैं चढ़ूंगा और मैं बताऊंगा कि हाँ यही सच था। हमारी निष्पक्षता को अगर पक्षता माना जाएगा और पूर्वाग्रह से ग्रसित माना जाएगा तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तो ये मानता हूं कि मैंने जो देखा था मेरी आंख से, मैं ये भी कह सकता हूं कि उन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी, एक ढेला भी नहीं फेंका था, सिर्फ राम धुन गा रहे थे, भजन गा रहे थे, उनके सिरों पे गोलियां दागी गई हैं। मैं समझता हूं कि वो सीआरपीएफ के या अर्धसैनिक बल के जवान तो नहीं हो सकते, जो इतने निशंस होंगे, इतने बर्बर होंगे। जरूर मुंडन खा के आदमी हो सकते हैं लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन मैंने तो वर्दी में देखा था लोगों को और वो गोलियां तड़तड़ाहट की आवाज सुनी थी। और आप विश्वास कीजिए कि शाम को दूरदर्शन के डीडी दिल्ली दूरदर्शन ने अपनी जो प्राइम न्यूज है 9 बजे वाली, उसमें भी हमको दिखाया है कि मैं उससे झगड़ रहा हूं। मैं हेडसाफ करूंगा उस लखनऊ के करेस्पॉन्डेंट को कि उसने जो भेजा था फुटेज, और मैं चाहता हूं कि लोग उसको आर्काइव में से निकलवा के देखें कि क्या हुआ था। संभवतः उनको वो डेड बॉडी वो सारी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि दूरदर्शन के लखनऊ संवाददाता ने बड़ी मेहनत की थी और पूरा का पूरा उसका फुटेज जो है वो भेजा था जी। वो टेलीकास्ट हुआ था, भले कुछ सेकंड का था लेकिन वो टेलीकास्ट हुआ था रात को। तो ये घटना थी जी। उसके बाद दंगे भड़के पूरे देश में, दंगे भड़ते खासतौर से उत्तर भारत में, और 91 में चुनाव हुआ और चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। उस भाजपा की जो 1980 में गठित हुई थी और 84 में जिसके 2 सांसद थे, उसने जो है पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। मैं दाद दूंगा इस समय, याद भी स्मरण करूंगा नगर प्रचारक रामचंद्र जी का, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था, संघ के प्रचारक थे, और 15 में से 14 सीट जो है थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। संघ की ओर से ऑफर भी आया था मुझे जी। लेकिन मेरे परिवार ने जो है, सभी ने जो है इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया था कि भाई उन्हें संसद का चुनाव नहीं लड़ना है। पत्रकारिता योगक्षेम है, राजनीति सेवा है जी। और सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे। मेरी पत्रकारिता में कभी भी राजनीति नहीं आई, कभी भी जनसंघ जनता पार्टी या भाजपा नहीं आई। मेरी पत्रकारिता जो खेल पत्रकारिता थी मैंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ की। लेकिन हाँ ये भी मैं स्वीकार करता हूँ, और ये हमारे अखबार वाले भी जानते हैं कि 1996 तक जब तक मैं काशी में था
तो 3 दिन पहले मैं छुट्टी लेता था अखबार से और कई पोलिंग स्टेशन को संभालता था, देखता था, और कभी कोई पैसा भी किसी से लिया नहीं जाता था। वो जमाना कुछ और था, चाल चेहरा चरित्र जो था भाजपा का एकदम डिफरेंट था। किसी के कोई घी देता था, कोई चीनी देता था, कोई कोई सामान देता था, कोई स्टेशनरी देता था, इस तरह से देता था। और वो पूरे माने कायदे से जो है, और खाना और पीना ये सारी व्यवस्थाएं होती थी। और 96 में मैं अमर उजाला में चला गया मेरठ, उसके बाद फिर मैं लखनऊ हिंदुस्तान में रहा, फिर बनारस आया, और 2003 में मैंने जो है प्रिंट मीडिया को अलविदा कह के फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया। लेकिन मेरी एक कसक थी कि जो मैंने देखा है काश मैं मुझे न देखना पड़ता। और लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीते जी ये होगा जी। लेकिन हुआ। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है 1910 में या 11 में डिसीजन दिया कि साहब जो सर्वे हुआ है और एक मोहम्मद थे, मुसलमान ही थे, उन्होंने दावे के साथ कहा था कि जो विवादित ढांचा है उसके नीचे जो है मंदिर है के मोहम्मद। हाँ, के मोहम्मद। और 92 में वो बावरी ढांचे का विध्वंस हुआ था और उसका खामियाजा पाकिस्तान और बांग्लादेश के हजारों मंदिरों को भुगतना पड़ा था जिनको जला के राख कर दिया गया था। और आज ये कहते हैं कि हमारी बावरी शहीद हो गई। अरे तुम्हारी बावरी शहीद कहाँ से हुई? 1528 के पहले तो वहाँ भव्य राम मंदिर था, जन्म स्थान था जी। उसको तुम लोगों ने खत्म करके मीर बाकी ने, उनके जो सेनापति थे बाबर के, और उसने जो है तो ये खत्म कर दिया था। तो सच्चाई तो ये हुआ कि मेरा राम मंदिर शहीद हुआ था, तुम्हारी बावरी नहीं। और बावरी का क्या लादना है? एक विवादित ढांचा था, उस ढांचे के नीचे सारा का सारा मंदिर था। जैसे कि काशी विश्वनाथ में आप देखे कि जो टोम है, जो गुंबद है, उसके नीचे जो है शिवालय है जी। अब वो सामने आ जाएगा सर्वे में, मेरे तो खैर वो आंगन रहा है, मैंने तो 50 वर्षों तक वहां मैं रहा हूँ। वही ज्ञान वापी में मेरी क्रिकेट परवान चढ़ी है, मैं संघ का स्वयं सेवक था, वही मैं शाखा में जाता था। सायंकालीन वहां 2-2 शाखाएं लगती थी ज्ञान वापी के मैदान में। 92 के बाद सब बैन कर दी गई, हटा दी गई वहां से। फिर वो गंगा शाखा के नाम से सरस्वती फाटक पे कुछ दिन लगी, बाद में सिंधिया घाट पे लगी। लेकिन मैंने देखा है कि चप्पे चप्पे पर आप इसको मंदिर के निशान पाएंगे, कहीं मस्जिद के नहीं। वही स्थिति वहां भी थी, अयोध्या में थी। खैर अंत भला तो सब भला। और बिमला ने सही कहा कि 3 दिवालियां होंगी, हमें भी उस दिवाली का शिद्दत से इंतजार है। और प्रभु अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे तो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जो व्यंग करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, उनको मालूम होना चाहिए कि तारीख आ गई है। वो तारीख 20 जनवरी की है। पूरा देश जिस दिन दिवाली मनाएगा, हर मंदिर में जो है भजन होगा, कीर्तन होगा, पूजा होगी और क्या कुछ नहीं होगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी भी जो है हिंदुओं को वापसी हो, आतताइयों का सर्वनाश हो। और सच्चाई तो यह है कि जो विरोध कर रहे हैं वो शायद नहीं जानते। मैं वही जानना चाह रहा था, जैसे अभी मंदिर बनने के साथ साथ विरोध तो हो ही रहा है, जो विपक्षी पार्टियां वो विरोध करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो शंकराचार्य के मत को लेके इसमें जो थोड़ा सा विरोधाभास आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये शंकराचार्यों की जहां तक बात है तो ये एक भ्रम फैलाया गया है। शंकराचार्यों ने बाकायदे स्थिति स्पष्ट कर दी है। और एक शंकराचार्य ऐसे हैं कि जो जिनका कोई अंशदान नहीं रहा है। आपको बता दूं, राम मंदिर आंदोलन से कोई नाता नहीं रहा है। उन्होंने रामालय ट्रस्ट ये वो बनाया है, झमेला किया है, लेकिन वो जिसके शिष्य हैं उनके बारे में कहा जाता था कि एकमात्र कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद जी महाराज।
जिनका अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया है, और उन्हीं के वो पट शिष्य हैं और मुत्केश्वरानंद जी महाराज, और वो बिल्कुल नियम विरुद्ध जो शंकराचार्य बने हैं, वसीयत कर दी थी, तो क्या वसीयत नहीं होती शंकराचार्यों में? शंकराचार्यों का सिलेक्शन होता है और बाकायदे इसकी एक 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 विधि है, एक परंपरा है, उसके हिसाब से होता है, वो नहीं हुआ है। और ये हमेशा इसी तरह का काम करते रहे हैं, तो ये कांग्रेसी हैं, ये सब कोई जानते हैं और वही इसी का लाभ उठा रहे हैं। अब कल एक आरोप आ गया कि साहब 3 किलोमीटर दूर हो रहा है मंदिर बन रहा है, जन्म स्थान पर तो बन ही नहीं रहा है। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि वहां से तो रामलला कभी हटे ही नहीं है, रामलला तो अभी भी है ही है, मूर्तियां 3 अलग बनी है, लेकिन जो हमारे रामलला है वो तो वहां विराजमान है, और 3 किलोमीटर दूर तो दूसरा जिला आ जाता है, एक तरफ फैजाबाद आ जाएगा जो अयोध्या हो गया, दूसरी तरफ दर्शन नगर आ जाएगा, तो 3 किलोमीटर अयोध्या जैसी जगह पर कहना हास्यास्पद है। उसी तरह हास्यास्पद है जिस तरह से विपक्ष जो कह रहा है कि वो मंदिर में नहीं जाएगा, लेकिन सच है। आज अगर अखिलेश जाते हैं उनको डर है इस बात का कि जो 7,000 की जो जनसमूह होगा वहां बड़ा सिलेक्टेड होगा, लेकिन उसके आंखों में क्रोध की चिंगारी झलक उठेगी, ये देखो यही लोग हैं जो हत्यारे थे। और वो कांग्रेस वो कहता है, वो जो राहुल गांधी हैं जो इनके, वो कहते हैं कि साहब ये तो भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है, जबकि गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये राम जन्मभूमि न्यास बना है और उसमें सदस्य भी उन्होंने ही नियुक्त किए हैं और उन्होंने निमंत्रित किया है लोगों को, तो आपको ये सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण ठुकरा कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, फिर एक बार कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो जाते तो उनका वोट बढ़ता, लेकिन आज जो है पूरे देश में इस पार्टी को लेकर के भयंकर गुस्सा है, और आपने देखा महसूस भी किया होगा, मैंने पहले भी कहा कि वो जुनून मैंने जो 90 में देखा था उस जुनून को भी सीमा लांघ चुका है। इस समय पूरा देश राममय हो चुका है, आप देख रहे हैं ना कि कहां कहां से क्या क्या लोग पहुंचा रहे हैं वहां पर, कहीं वो 45 दिनों तक चलने वाली धूप बत्ती है, तो कहीं पर जो है वो कितने किलो का जो है वो घंटा है, कहीं चांदी के थाल हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, क्या क्या उपहार नहीं आ रहे हैं। और क्या माने जो जिस तरह से कहते हैं आर्किटेक्ट जो है 1,000 साल तक उसको कोई छू नहीं सकता, इस तरह का भव्य मंदिर मूर्तुरेरा, कह रहे हैं कि साहब अधूरे मंदिर का कैसे कर दिया। अरे मूर्खों को पूछना चाहिए कि भैया जब 1951 में सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, गर्भगृह का ही किया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद होम मिनिस्टर वहां मौजूद थे सरदार पटेल, उस समय जो है क्या मंदिर बना था? गर्भगृह भी नहीं बना था, मंदिर तो पूरा जाके हुआ 1965 में 14 साल बाद जी। तब क्या था? और यहां तो पूरा गर्भगृह बन के तैयार है जी। तो अब उसको लेकर के आपत्ति, तो लेकिन विरोध विरोध के लिए विरोध जो है जी, ये कितना नुकसानदायक होगा आने वाला समय इनको बताएगा जी, जी, जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी मतलब आंखों देखी, आपने वो घटना बताई है जो शायद हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखी है, और वो विभत्स रूप आपने सरकार का देखा है और मनमाना रूप देखा है, तानाशाही देखी है जो राम भक्तों पे हुई थी। तो हमें आशा है कि जो भव्य राम मंदिर अब हमारे सामने है हमारे दर्शन के लिए 22 जनवरी को शुरू हो रहा है, उस मंदिर के शुरू होने के बाद भारत में जो धर्म को लेके मानसिकता थी उसमें परिवर्तन आएगा और जो भारत है वह भारतवर्ष बनने की ओर बढ़ेगा। तो इसके साथ इस वीडियो में बस इतना ही, सर से फिर हम बात करेंगे, मुलाकात करेंगे किसी नए विषय पे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।